ये भी बन चुके हैं हमारे अर्थ से, और यहाँ पर ये भी बन रहे हैं जो कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा बन गए, और बॉडी भी जी भी आ गई काफी दूर से जो कि तो दोस्तों एकदम पिघल चुका है यहाँ पे हमारा गुड़ जो कि आप देख सकते हो, और अभी काफी देर तक इसको गर्म करना है। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जाएंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ। तो स्वागत है आपका और एक नए ब्लॉग में, नए दिन से। तो दोस्तों आज बना रहे हम घर में अरसे जो कि मिठाई है एक, तो आपने आपको दिखाते हैं किस तरह से हम आज मिठाई बनाते हैं घर में अरसे। और सबसे पहले हम करते क्या हैं, चावल को भिगोने रखते हैं जो कि हमने रात को रखे थे, और अभी 10 बजे से मेरे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो दिखाते हैं ऊपर में जो कि कूट रहे हैं चावलों को, और उनसे बनाएंगे अरसे। तो अभी दिखाते हैं ऊपर से आपको, वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पर ये चावल है जो कि गीले और के हैं, एकदम भिगो के रखे थे रात को, और यहाँ पे कूटने का काम चल रहा है जो कि यहाँ पे भारती है और चाची मम्मी वहाँ से कर रही है, उनको छान रही यहाँ पे जो कि ये है चावल। क्या बोला तो हो गया यहाँ पे ये कूट के रेडी, और इसको रख रहे हैं यहाँ पे परात में, यहाँ पे मम्मी इनको छान दिया यहाँ पे, सबका काम ही काम। तो यहाँ पे आ गया प्रियंका कूटने के लिए। तो ये निकाल रहे हैं उससे बाहर और रख रहे हैं परात में, और फिर से डालेंगे हम चावल और कूट को होंगे एकदम ब्रिक। आप देख सकते हो रख रहे हैं यहाँ पे चावल, तो ये डाल दिया इसमें फिर से चावल, और इसकी करनी है कुटाई। तो दगड़ियों यहाँ पे इसी तरह से चलेगी हमारी कुटाई, और इसमें रखना है चावल, फिर इसमें कूट के बारीक बारीक से वहाँ चलना है, छालनी से उसको छालना है, और जो बचेगा उसको इधर फिर से फिर बारीक, देख सकते हो आप इसी तरह से चलेगा यहाँ पे अभी ये कूटने का कार्य। तो अब उसके बाद करेंगे क्या, हम उसके बाद पात पूत लगाएंगे और अरसे बनाएंगे। दिखाते हैं आपको अब कैसे अरसे बनाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बचा है लास्ट, और इसको कूटा जा रहे हैं यहाँ पे, और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो आप गुड़ को तोड़ रहे हैं यहाँ पे गुड़,
गढ़वाली भाषा में तो गढ़वाली भाषा में हम इनको भिल्ली बोलते हैं, भिल्ली भिल्ली भिल्ली। तो गुड़ है, इसको तोड़ कर रख रहे हैं, फिर इसको गर्म करके एकदम इसका चूरन चूरन करके डालेंगे। अब दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहो कैसे बनाते हैं हर से, तो देख सकते हैं आप हर गुड़ के दो दो टुकड़े किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे पूरे, ये भी एक थैला भी, उसको भी तोड़ना है और यही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आग भी जग चुकी है और यहाँ पे बारी में यहाँ पे जो कि गुड़ थे, गुड़ इसमें फेंक लिए और इसमें लोटे से डालेंगे पानी। तो अभी देखो आप किस तरह से यहाँ पे अरसे बनाने, ये गुड़ चलेगी इसमें और एक लोटा पानी का। और भैया जी बैठे हैं, तो दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं हम पहाड़ों में अरसे। तो अभी देखो डाले उन, हजू ना तो अब इसने जो कि ये है गुड़ और इसमें दो लोटे पानी गए तो ये पूरा पिघल जाएगा जो कि ये गुड़ है, देख सकते हैं आप, ये पूरी अच्छी तरह से पिघल जाएगा। तो इसमें डालेंगे हम जो कि चावल का हमने कूट के बना रखा है हम पे आटा, उसको डालेंगे। फिर उसमें जो कि जीरा वगैरह कुछ भी है, सौंफ, वो भी डालेंगे। तो अभी यहाँ पे पात लग रहा है जो कि लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वीडियो में बने रहो और देखो हमारे पहाड़ी अरसे। तो दोस्तों एकदम पिघल चुका है यहाँ पे हमारा गुड़ जो कि आप देख सकते हो, और अभी काफ़ी देर तक इसको गर्म करना है। फिर इसके बाद इसमें डालना है हमने अरसे का जो कि हमने वो रखा हुआ बाहर में। तो अभी चेक कैसे करते हैं, इसमें डालते हैं पानी में और फिर पता लगता है कि हो गया वो कि नहीं हुआ। है हमारा आटा जो कि आप ये देख सकते हो, और वहाँ पे बन रहे हमारे अरसे। क्यों भैया जी, तो यहाँ पे हो चुका हमारा जो कि ये था पूरा गुड़ पिघल चुका पूरा, और यहाँ पे चाचा भी आ चुके हैं जो कि इसमें आटा डाल रहे हैं हम, और ये पूरा ऐसे घुमा घुमा के करना है, एकदम फिक्स मिक्स करना है दोनों को। तब बनेंगे हमारे इससे अरसे, दिखाएंगे आपको पूरा सीन आज पहाड़ी अरसे। तो दोस्तों यहाँ पर धुआं भी लग रहा है आंखों में, और इतना आटा हमारा बच चुका है जो कि थोड़ा सा है, और बाकी ये देख सकते हैं आप, ये हो गया मिक्स हमारा, ये है ऐसे में जो कि आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे, ये बन गया हमारा पूरा मिक्स हो गया। इसमें मतलब गुड़ भी है और ये जो कि आटा था वो भी दोनों मिक्स हो गया, पता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब पूरा गुड़ ही गुड़ है। तो इतने टेस्टी वो बनते हैं हमारे यहाँ अरसे जो कि हमारी पहाड़ी वो है, जब कोई जाता है दीदी जाएगी फिर वो ले जाएगी अपने लिए वहाँ। तो ये देख सकते इतना बच गया, क्या इससे किया मैंने पूरा, यहाँ देख सकते हैं और ये बचा हुआ है। और अब बनाएंगे यहाँ पे आप अरसे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा तेल भी आ चुका है कढ़ाई में, हाँ जो कि मैंने डाला एक कंटर है पूरा, इसका तेल डाला का मैंने डाला, देख सकते हैं। और इसमें डालेंगे अब, बनाएंगे अब अरसे, दिखाएंगे आपको ऐसे वीडियो में बने रहो। तो यहाँ पे हमारे अरसे बनने हो चुके हैं शुरू, जो कि आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ से बन के जा रहे हैं ऐसे गोल करके, और वहाँ से यहाँ से डाले जा रहे हैं, और फिर वहाँ से बन के ऐसे बन के आ रहे हैं हमारे अरसे जो कि ये हैं, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। तो बाद में खाएंगे जब एक दो चूल्हे में रखेंगे।
तो बुआ लगी है उनको निकालने पे, क्योंकि अभी काफी गर्मी भी लग रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अरसे बनते हैं पहाड़ों में। यहाँ पे हमारे बन चुके इतने सारे अरसे, जो कि आप देख सकते हैं अभी कितने थे, और इन लड़कियों की स्पीड देख सकते हैं आप। और अभी तो इतना है पूरा बनाना है, और फिर पेटी में रख के जाना है इन्होंने देहरादून। तो मम्मी पता नहीं किसको बोल रही है आज, किसको बोल रहे हैं पता नहीं, किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे गप्पे सप्पे मारने पे। ये भी बन चुके हैं हमारे अरसे, और यहाँ पर ये भी बन रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा बन गए, और बॉडी भी जी भी आ गई काफी दूर से, जो कि सड़क 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 ढूंढ गए थे आज घास के लिए, और वहाँ से आ रखे अरसे बनाने के लिए। और भाभी जी को लग गए एकदम गर्म, जो कि अपने स्वेटर बाहर फेंगे। तो इसी तरह से बनेंगे अरसे हमारे, और देख सकते हो आप कैसे बनाते हैं हम पहाड़ में अरसे। बॉडी जी का कहना है रसगुल्ले से कई अच्छे हमारे पहाड़ के अरसे होते हैं, हमारी गढ़वाली मिठान मिठाई है। तो यहाँ पे बॉडी का पूछते हैं, बॉडी कैसे होते हैं हमारे पहाड़ के अरसे। अरे बुआ ऐसे होता है, बहुत अच्छे, दो किलो बेली में ही, एक लोटा पानी है, और छह किलो जेल में तीन लोट पानी, दो लोट पानी, तीन दो लोट पानी, ढाई बेल में नौ लोट, दो लोट आटा को बाद तब मुकोल आए में खाने ना खाने ना आटा पान में डोना देखना कौन लोग आटा देखना आटा आओगे दो रसगुल्ले से अच्छे हमारे अरसे, बोला ना रसगुल्ले से बड़ी हमारे घर की मिठाई हो, घर की मिठाई रसगुल्ले लड्डू से बहुत अच्छे हमारे घर के अरसे। अरे बुआ हमारे ऐसे कोश करे बुआ अरसों के। आगे। तो इसी तरह से बनेंगे हमारे अब अरसे। तो दोस्तों यहाँ पर ये अरसे हैं हमारे आज के, जो कि बने हुए हैं देख सकते हैं आप, दो उनमें रखे हुए हैं, इनको हम तौला बोलते हैं, दो बर्तनों में रखे हैं अरसे, देख सकते हो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे अरसे, देख सकते हैं आप कितने अच्छे दिख रहे हो, वैसे देखने में तो काफ़ी टेस्टी है, मज़ेदार खाने के लिए। तो आपने भी अगर ऐसे अरसे कभी देखे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और टेस्ट करके देखते हैं आपके सामने। तो ये है हमारे अरसे पहाड़ी, जो कि पहाड़ों में स्वीट मिठाई बनती है, जो कि किसी होटल से कम नहीं, तो उनको बनाते हैं हम घर ही में। तो दोस्तों इनका टेस्ट है एकदम बहुत ही बढ़िया वाला लाजवाब, जो कि इनको देखकर मन कर रहा है कि पूरा मैं ही खा दूं अभी, तो बहुत ही अच्छा हो रहे हैं। तो देख लिया आपने आज के पहाड़ी अरसे हमारे, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अरसे खाने तो आ जाओ मेरे साथ, तो बाय।